देखो ना, दोनों तीनों किले हैं ना अपने इस एरिया के, कुछ सौ ठाठी दान खड़ी हैं। इतने दान किससे का कौन हो रहे गम में, सारा ही ओड है। लास्ट का पानी लगाया एकदम हत्यार, और पासे देखिए नोटा ही बारिश हो जाएगी उरे। फिर तो मेरे कड़े बनवा दोगे सोनो ये। अरे यार किसी छोटी बात कर रहे, किस खातर कमाऊँ मैं, तेरे खातर ही कमांदा हूँगा पक्का। और गे पानी का वार सही ट्यूबवेल चला के हम में भाज गए। ठीक है तू घर में चल। ओके ठीक है। राकेश यह चीज भी पसंद है तेरी कसम, गेल गेल अंडा का माचिस कर दिया रे, दारू नहीं पर बैठा या ड्रके उठ क्यों मारा तू? ले भाई एक नंबर का माल ले रहे हैं। एक नंबर बाउल बढ़िया माल पीवा पी पीवा इतना टाड़े कर दे। राकेश मेरे कसूती जी महेश की मुकेश वाली बहू भी ये सोचे की ऐसा पड़ी है चाले है सोचे की कसूती खटका है। एक दो बार नजर मिली पानी पात ले आना चाहिए थे बिट चुप्पी गन बहू भाई चाल फिर फैशन भी शहर वाला पर है हिब्बे शहर का सौदा है। अच्छी भीतर थी ले जाए। अरे जिंदगी का सारे रंग ले लेके मरना आपने खेत में जा रहे हैं। अच्छा टकरा ले आज टकरा ले जब मुकेश गली आ गया तो बैठे रहूँ आगे। हाँ और ना तो देख छेड़खानी कराए तेरा पड़ोस का काम तो थोड़ा गेल न रहे जी। ठीक से नुको किम्मी कौन हुआ इसी बात मैं देख रही हूँ कोई आओगी नहीं शहर की है बावड़ी पूछे। अरे शहर का तो और भी बढ़िया हो जुगाड़ एक समोसा मान जाएगी वो ही तो मैं कहूँ। ठीक से चाउमीन बर्गर खावड़ा है ये गाँव वाली मार सका उठे भी। ठीक से हम भाई मैं तेरी कसम कोड़ भरूंगा सीधा। वाह है वाह वाह राम राम भाभी राम राम। ठीक से ठीक है मुकेश के तो करमे खुल गए करम गए इसके तो आठवां जन्म मिल रहा है तेरी कसम मारा कोड़ा देखी जाएगी के तो बाबा रेल में से जेल में है आ जा तो थोड़ा जल नरगी राम राम भाभी जी राम राम। हाथ कैसे लाल लग रहा के बात होगी नु खाने किस तरह हो है तेरा देवर को नहीं देवर तो क्या मेरे को हाथ लगाएगा फिर के बात होगी दिक्कत क्या ही मानना है। हाथ छोड़ लैपटॉप पड़ गया ना धरती चाटते हुए नजर आएगा यहाँ पे हाथ लाल लग रहा भाभी चाउमीन समोसे बर्गर सारा सौदा खुआऊंगा क्यों लोग तो कुडा मरुड़दा अंड है। ठीक से मेरे लोग ने पता लग गया ना तेरे पता भी लग जाएगा कि दिक्कत मानना है चुट। किस चीज की भड़क ले दफा कुत्ता कमीन कहीं का कह दी ना भाभी छोड़ तेरे से दो मिनट बात करनी है कमीन एक रात मार के से कैसे समझा ले अपनी अच्छा भाभी तो जा पी रहे हो के यार कमीन नहीं तो ज्ञान लग रही यार मन और मरवाओगा। नो लगा ले बस इसी महीना की बात से पाँच सौ से ही कम हो जाएगा दो तीन मजदूर हम छोड़ के आए वहीं सही है अपना उनका भी गुजारा हो जाएगा के बात होगी नाराज होगी ये जब मैं खेत से आ रही थी ना ज्ञानी छेड़न लाग रहा था रास्ते में। किसने छेड़े था वो ज्ञानी नहीं शराबी नशेड़ी सा हाँ छेड़ रहा था। किसने छेड़े था मुझे छिड़का नहीं करा था वो ना बोला बोला था खाली तो यार बोल दे तो ही रहा यार इतनी भड़क ना लिया कर सब दिन टन हो रहे सुल्पा भी हो रहा कसूती पागल हो रहा है सारा काम ना बेरा हो किस आदमी है पर लिखा आ जाए कर वो बैठे दिखा ना अरे न्याज बात देख लिया आने को दू मैं गला आया करूँगा तेरे। ठीक से ठीक से ठीक रोटी बना ले अपने जाओ नाराज ना रहा इस तरह मुंडे ला गए बैठे खुश खुश रहा है अगर पागल अरे भाई बैस कौन पूछा क्यों उनका पूछा यार मुकेश मारे घर ने के करण आया तू बाहर निकल जा सीधा मुकेश की चुटकी में बाहर निकल जा यार से मुकेश बाहर होगा चल निकल
गर्मी दुखा होगा। निकल जा बाहर, समझ में नहीं आती क्या कह रही हूँ मैं। तेरे खाते हैं। दोबारा हमारे घर में ना आ जाइए। ये है। समझ में नहीं आती तेरे बात कोई। निकल जा ऐसे हमारे घर से। तुम तो देख के चलते हो ना। क्यों क्या सुनो देख बड़का के तेरे रोन लग जाए छोटी छोटी बात पे। ज्ञानी आया था घर ने। कौन आया था? ज्ञानी। ज्ञानी घर ना आया था? फिर मैंने छेड़ा लाग रहा था। वो उरा अपना घर ना आया था? हाँ। किसी बात कर यार तू? सच्ची बोलो मैं। आज ज्ञानी जिंदा नहीं बचेगा, उसने मेरी बहू छेड़ दी। लड़ाई झगड़ा ना करना। तो क्या करा? उसने ना बिरजा वर्ग एक बहू छेड़ी है और आराम तो बिगड़ दिया। जय पंचायत में काला मुंह नहीं करवाया ना उसका, तो मेरा नाम भी मुकेश नहीं है। सामने पंचायत करवा दूंगा मैं। और रो ना तू, ठीक है? पंचायत में मारेंगे उसके और उस तरह भी। लुगाई छेड़ने तो दूर की बात, देखना ही भूल जाएगा वो। चल चुप हो जाए फिर। चुप हो जा, ये भी नहीं बचा वो। बचा तो मैंने तभी दिया था उसे घर से। हाँ वो तो मैंने बेरा है यार, बाकी नू गरम बढ़ना अच्छी बात थोड़ी ना है उसकी। पायन कटवा दूंगा उसके ने, गोडे गोडे हंड है और जाके हमारा सरपंच दो रहे। ठीक है। हेलो। हाँ बोल। किधर हो? मैं उसे सरपंच का नहीं रहा था। बाजार में नहीं जाओगे? बाजार में जाऊंगा उनके साथ, इस पर बात करा सरपंच से। वो कहने ये बात कर रहा उसका तरह आया था एक बार। अच्छा, कितनी देर लगा होगा फिर? शाम का लूंगा, चिंता हुआ है। शाम ने शाम तक आ जाओगे ना? और क्या है, चार को लूंगा सुबह तक। ज्ञानी। कौन ज्ञानी? हेलो हेलो। तुम मेरी बेइज्जती करवाओगे? तुम घर ने कैसे आ गए? बेइज्जती क्या था भाभी, बेइज्जती मेरी हो। ज्ञानी तू चला जा, देखेगा ना मैं कर लूंगी, पर तू इवने चला जा ऐसे। भाभी मैं कहूँ वो करती कौन, तू तन तो मेरी बेइज्जती और करवा दी सारा काम। और मेरे सारा काम दू 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 हो रही तो डर ना भाभी, ठीक से न क्या तो खुल के आ जा, क्या तो मैं पिटना तो बाल के बीच में पीट ली, ठीक से फिर खुल के आ जा। तन करा जिस दिन तक खेत में मिला था मैं राकेश छोड़ लिया, भूल जाओ मैं कौन भूलता, मर सकू हूँ उल्टा होने टू, ठीक से बेइज्जती करूँ भगवान कसम देख ले तो मैं तन भूल नहीं सकता, ठीक से। और तक टेंशन ना दे, तेरे साथ दे दे और काम की छुट्टी कर दूंगा मैं। यानी मैं तेरे साथ नहीं हूँ, पर मुकेश ने ईद देख लिया ना हम दोनों ने, ठीक है तो बेड़ा गर्क हो जाना हमारा। टेंशन ना ले, कितनी बढ़िया, ठीक से मैं घर से बाहर मिल लूंगी। ईद ने तू जा ना ईद, यानी तो ईद तू जा, मैं आऊँगी शाम में, आऊँ शाम को मिलने आऊँ तेरे से। हाँ शाम को पक्का आऊँगी मैं मिलने। पक्का? हाँ पक्का। मैंने कौन नहीं बुलाया, बुलाया था मुकेश, बुलाया था इसी कोई बात को नहीं। भाभी मरवा दिया मैं तो बिना ये गोली, भाई मैं गलती मान रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने छोड़ दिया था तुम्हें। भाभी मैं तेरे को गलती मान रहा हूँ। क्या गलती मांग? सरपंच साहब तीन चार बार इसने यार कथा कर दी। व्यवस्था कर नहीं है, कुर्सी नहीं है सरपंच साहब पर। भाभी क्यों बेइज्जती तेरी साहब की मेरी सरपंच साहब गलती हो गई। भाई यानी मेरी बात सुन दे, मन तेरे दिया उम्मीद नहीं थी, मैं तो तेरे काम में सब तो बढ़िया शरीफ आदमी मान गया था यार। बस अब गलती होगी, बस गलती बस मेरा कोई दिमाग में फतूर बढ़ रहा था, जिद मन दो तीन बार हरकत कर दी इसके लिए। आगत सरपंच साहब इसी गलती नहीं फिर तेरे सरपंच साहब एक बार बढ़ाया करें, दो तीन बार की बात कर रहे हैं भाई। मुकेश गलती हुई भाभी, गलती हो गया, ठीक से यानी ये बुरा रंग हाथ पकड़ दिया तो गलती हुई भाई, बहुत बड़ा गलत आ गए हो। सरपंच साहब किस तरह छोड़वा दे? मुकेश ने मेरे तक कई बार बताई, मैंने एक बात कही थी, यो बिना माँ बापा का छोरा है, इस पे इल्जाम ना लावे, आज यो मेरे घर न जा लिया, मुझे सरपंच साहब रंगे हाथ पकड़ाऊंगा, मेरी ईपी को जचित किया बात है,
लेकिन भाई मैं मेरी आख्या देख सब सब गलती होगी तो मारो चीज छोड़ो देख इब का इब का फंडा छुटवा दे आपके ये गलती जिंदगी में नहीं करूंगा अरे तेरी भाभी को नहीं मां समान से अर्थ ये कारना में करे अरे जिस घर में तू बड़ा है उस घर में जारी करे तू कौन कौन करूंगा अगर सब सब भाभी गलती होगी भाई मुकेश गलती होगी मैं माफी मांगूंगा भाई मेरा काम में से बाल करवाएंगे ना तो फिर मेरे सरपंच बिगड़ना कोई फायदा को नहीं ना अगर सरपंच साहब छोटे छोटे बाल का बिगाड़ना है सरपंच साहब बड़े बड़े बाल करके देना है उन्होंने अरे आगत को वो भी छोड़ दे सरपंच साहब मेरी बात सुन स्कूल में था ना जब भी तुम छोटे छोटे हरकत कर गई मनोज बिना माँ बाप का बालक से श्याण होगा सुधर जाएगा सरपंच साहब एक मौका हो दे तो कोई बात नहीं मौका तो मंदिर तो वो दिया था और जब वो मौका ना देना ना आज मन है मुकेश की फोन नहीं बढ़ा रहे सरपंच साहब फिर भी देख लो सरपंच साहब ये इस गांव में नहीं रहना चाहिए भाई क्या नहीं मेरे सरपंच में तो दाग लगवा दिया सरपंच साहब सच्चे चार साल यो यो पे काटे हैं सरपंच साहब यो काम ना कीड़िया हुड़का नहीं दिया आज मेरे में गलती नहीं पाओगी सरपंच साहब भाई गलती तो मेरे पे होगी मैं उधर माफ नहीं करूं ना गलती होगी और ये गलती सरपंच साहब मैंने गांव बिगाड़ा देते उड़ते भाई मुझे काम नहीं रहा है उड़े देख ले बोड़ी आगे पाप पकड़ लेगा तेरे पाप पकड़ लेगा बिना माँ बाप का बाल से कटर उड़ता अंडेगा मैंने भी यही सोच के रखा गलती मान ली मैंने सरपंच साहब भाई गलती है तेरी या तेरी माँ समान भाभी है इसके पाप पकड़ अरे तेरा बड़ा भाई है इसके पाप पकड़े माफी मांग ले जब हमारे ना हो तो नहीं तो मेरा देश ही है इसके पाप ना पकड़ो मुकेश के पाप पकड़ अरे भाभी है तेरी तेरा पश्चाताप पूरे पूरा हो से तेरी भाभी है माँ समान है इसके पाप पकड़ के तो भाभी मेरे पे गलती होगी माँ मेरे पे गलती होगी पाना ना पकड़ो देख लो सरपंच साहब आकड़ देख ले इसकी भी बिना माँ बाप का बेटा है अब बर्बाद हो ना अंडा का कोई बात नहीं छोटा है भविष्य में इसी कोई शिकायत नहीं करेगा इसका सर्प आदमी को नहीं ठीक से अगर मान जाएगा ठीक है चलो भाई मैं ठीक है अरे भाई आराम से हैं।